हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग देख सकते हैं कि इस टॉपिक मैं किस पे बात करने वाला हूं। तो आज की टॉपिक डिफिनबाचिया के नाम से जाना जाता है और डेम कैन के भी नाम से जाना जाता है। तो आज टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज इस प्रोसेस मैं पूरा बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, अब बता दूं कि ये चौड़ी पत्तियां होती हैं और इसमें कलियां या फूल वगैरह नहीं निकलती हैं, सिर्फ पत्तियां ही इसकी सुपलांट है। और आप लोग देख सकते हैं इसके सफ़ेद सफ़ेद, इसमें बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि डोर इनडोर दोनों जगह लगा सकते हैं, अपने रूम में लगा सकते हैं, अपने बालकनी में लगा सकते हैं, अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और ये आपकी खूबसूरती बढ़ा देती है, आपकी गार्डन की, आपकी रूम की, क्योंकि इसको रूम में रखने से लाइट जब पड़ती है तो ये चमकता है, क्योंकि इसको रूम में ही रखा जाता है और ज़्यादातर कि इसको सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इजीली कहीं भी हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको 6 महीने पहले ही लाया था और आप लोग देखते थे इतना बड़ा हो चुका है। बहुत धीरे धीरे इसको ग्रोथनेस बढ़ती है और ग्रोथनेस में इसमें थोड़ा थोड़ा इसको मिट्टी है जो चेंज करते रहेंगे तो ग्रोथनेस ज़्यादा बढ़ेगी। और शाम जैसे हो उसको पानियाँ इसको डालते रहें, पानी जैसे डालेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पत्तियों पे मैं डाल रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ऐसे ऐसे पानियाँ इसको देते रहें। तो पानी देने से ये होता है कि इसको शाम को ताजगी मिलती है। तो ये ताजगी इसलिए दिया जाता है कि इसको पत्तियाँ जो सूखे ना और इसको ताजगी हरियाली मिलती रहे और जल्दी से ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में कितना खूबसूरत सो प्लांट है। और इस मैं 6 इंच के पॉट में इसको लगाया हूँ और मैं इसको अगले वीडियो में बताऊँगा कैसे इसको कटिंग से 1 से 2 बना सकते हैं। तो अभी ये बड़ा नहीं हुआ है ना, तो इसको मैं बताता इसको कटिंग, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो इस यहीं से कटिंग करूँगा, क्योंकि एक मदर सो प्लांट है। और डिफिनबाचिया एक ऐसी सो प्लांट है जो कि इसकी पत्तियों से ही मशहूर और जाना जाता है, क्योंकि ये पत्तियाँ इसकी होती है चमकती हैं, जैसे जैसे लाइट पड़ेगा वैसे वैसे चमकेगा और सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सो प्लांट है। तो वीडियो पे मैं यहाँ पे देखिए चाइना पंप है, तो मैं शाम को हमेशा मैं पानियाँ देता रहता हूँ चाइना पंप, और एक कोड़ी लाइट है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं शाम को पानियाँ हल्का हल्का देता रहता हूँ, क्योंकि इससे ताजगी बनी रहती है इन लोगों पे। तो आप कहीं भी आप लगाएं शो प्लांट, तो उसको शाम को ज़्यादा पानियाँ देते रहें, क्योंकि पानी देने से ये होता है कि आपकी शो प्लांट कभी भी सूखता नहीं है और रात में पूरे नमी पाती है, तो इसको ग्रोथनेस बढ़ती रहती है, तो इसलिए इसको पानी देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सो प्लांट है और इसको पत्तियां देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हुआ होगा तो 2 फुट के लगभग में इसकी लंबाई है। तो अभी और ये बढ़ेगा, तो इसको केयर ज़्यादा नहीं किया जाता है, बस हल्का हल्का इसको केयर करने की ज़रूरत है। और इसमें मैं एक ही लगाया हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत सो प्लांट है। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ जो है चमक रही हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सो प्लांट है। तो बहुत ही खूबसूरत सो प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत सो प्लांट है। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो